सत्ता का नशा किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है ये देखने को मिला बलिया में, जहां पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में तैनात चौकीदार का आरोप है कि बेलथरा रोड विधानसभा से भाजपा विधायक धनंजय कनौजिया ने महज इसलिए थप्पड़ चढ़ दिया क्योंकि डाक बंगले में कोई भी रूम खाली नहीं था। दरअसल लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर जनप्रतिनिधियों को देखा जाता है, जो जनता को यह एहसास दिलाते हैं कि आप सुरक्षित हैं, पर देश में जिस तरह जनप्रतिनिधि बल्ले से लेकर कीचड़ तक सरकारी कर्मचारियों पर फेंक रहे हैं, ऐसी घटनाएं जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। बलिया जनपद के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में तैनात चौकीदार का आरोप है कि बेलथरा रोड विधानसभा से भाजपा विधायक धनंजय कनौजिया ने उसे महज इसलिए थप्पड़ चढ़ दिया कि डाक बंगले में कोई भी रूम खाली नहीं था। हालांकि चौकीदार का कहना था कि उसने अभी तक कोई भी लिखित शिकायत नहीं की है, पर सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का है कि उसके विभाग के अधिकारी घटना के बाद से मामले की लीपापोती में लगे हैं। सर हम गेट खोल कर निकल रहे थे, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कौन हाथ दिया है, हम बोले सर मैं हाथ नहीं दिया हूँ, उसके बाद हमारे हाथ छोड़ दिए हैं। तो किस बात पे वो नाराज हुए थे? मालूम नहीं सर किस बात पे नाराज हुए, कि हमारे ऊपर ही नाराजी दिखाए कि तुम हाथ दिया, हाथ दिया नहीं हो। तो क्या रूम के लिए आए थे क्या वो? हाँ रूम खुलवाने, अच्छा बैठने के लिए। अच्छा तो क्या यहाँ रूम था नहीं था, क्या स्थिति थी? रूम तो क्या बोला तो सर चारों बुकिंग था, वो सर पीडब्ल्यूडी का कार्यालय बना कर के लोग रखे हैं हम लोग को, वो रूम तो सर का भारी खुलता नहीं है, जब कोई आदेश करता तब वो खुलता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ? सर गलत यही हुआ कि जो कि सर वो हाथ छोड़े उस हाथ, हम तो भाई उसका करना ना धरना, हम तो अंदर गए खोल के दरवाजा कुर्सी में जा थोड़ा ठीक ठाक करके बाहर निकलने लगे, यही हुआ। हमारे यहाँ उच्च अधिकारी भैया सब का बोला था, वो कुछ समझे वाले थे। कोई अधिकारी आपसे पूछने नहीं आया आपका हाल चाल? जब इसको संज्ञान में लिया गया उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी, हम कर्मचारी के साथ अभद्रता ये ठीक नहीं है, ठीक है, और मेरे संज्ञान में अभी आपके द्वारा ले आया गया, मैं भी संज्ञान में लेता हूँ, ठीक है। सर कौन से कर्मचारी थे और क्यों विवाद हुई? मेरे मुझे पता नहीं इसके विषय में, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, समझ रहे हैं, मुझे इसके विषय में उस ठेकेदार को उस कर्मचारी को बुला के मैं पूछता हूँ, बुलाओगे कौन से सर? आपके कर्मचारी साथ ये दूसरी बार घटना है, लेकिन क्यों आप अनदेखा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पहली बार है, कर्मचारी बता रहे हैं सर, दो दूसरी बार घटना हो चुकी है। नहीं नहीं, मुझे पहली बार है, मैं संज्ञान में लेता हूँ, ठीक। तो क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा सर, विधायक के खिलाफ? नहीं, हम देख लेते हैं क्या अंदर बात है, उसके बाद ऐसी कोई हो सकती है गलत बात, समझ रहे, इसको पूरे ताकियात करना, ताकियात करके। दरअसल बलिया मुख्यालय में मौजूद पीडब्ल्यूडी डाक बंगला न्यायाधीश बलिया के आदेश से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उच्च न्यायालय के जजों और अधिकारियों के लिए बुक है, जिसकी सूचना डाक बंगले के बाहर लगे खंभों पर भी चस्पा की गई है। पर देर शाम डाक बंगले में भाजपा विधायक जब पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने डाक बंगला खाली न होने की बात बताई। हालांकि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के कहने पर विधायक जी के बैठने के लिए कार्यालय खुलवाया गया, पर जैसे ही चौकीदार ने कार्यालय खोला, विधायक जी ने गुस्से में चौकीदार को थप्पड़ चढ़ दिया। वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी का कहना है कि भाजपा विधायक ने कुछ दिनों पहले भी डाक बंगले के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। वहीं इस पूरे मामले में जब भाजपा विधायक से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, और इस घटना के बाद जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी, कर्मचारियों के साथ अभद्रता ठीक नहीं। बाइट बलिया यूपी से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट।